माय एफएम सुन रहे हैं आप, आपकी आरजे नेहा के साथ हो रही है एक मुलाकात। आज मेरे साथ हैं सिद्धार्थ शुक्ला सर आई गेट से। जी हाँ, और सर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है अभी मेरा कि टफ टाइम हर किसी की लाइफ में आता है। आई एम श्योर आपकी भी जिंदगी में आया होगा, ऑल दो आज आप लोगों के मुश्किल समय को यू नो बेस्ट ऑफ द टाइम्स में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ का वो टफ टाइम जिसमें आपको इंस्पिरेशन मिलती हो वो कौन रहे हैं, किससे आप इंस्पायर होते आए हैं? हाँ, ये टफ टाइम तो सभी की लाइफ में आता है, हमारी भी लाइफ में आया, लेकिन मैं हमेशा इंटरनल बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहता था। मैं हमेशा जानता था कि जो भी टफ टाइम है, जो भी प्रॉब्लम्स है, हमारे अलावा कोई और सॉल्व नहीं कर सकता है, तो उसे हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा और कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला है। वो जो इंटरनल एक मतलब मोटिवेशन था, एक कॉन्फिडेंस था, और बिना किसी को बोले हुए उससे मैं इंटरनली बहुत ज़्यादा अपने आप को सोचता था, अपने आप को टाइम देता था, अपनी कमियों को देखता था, इम्प्रूव करता था, और उससे मैं अपने आप को मोटिवेट रखा, और इसीलिए मैं लोगों को शायद मोटिवेट कर भी पाता हूँ। क्या बात है सर। सो ये जो कहते हैं कि खुद के साथ वक्त बिताना बहुत ज़रूरी होता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो आप अपने बारे में अच्छा कैसे कर सकते हैं? तो ठीक है, सबके बारे में सोचिए, लेकिन सबसे पहले अपने बारे में सोचिए कि हमारी क्या कमियां हैं, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। बिल्कुल सर। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और उनकी बदमाशियां उनकी पढ़ाई के साथ बहुत फेमस हैं, खास करके थ्री इडियट्स देखने के बाद आई कैन से। लेकिन मैं जानना चाहूँगी हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के जो गुरु जी हैं वो कितने बदमाश हुआ करते थे, और क्या कोई ऐसा एम्बैरसिंग मोमेंट आज भी जहन में ताज़ा है, बचपन की कोई शैतानी या फिर उसके बाद की जिसे याद करते हो और आपको लगता है ओहो अच्छा ये मैंने किया था? नहीं है, ऐसे बहुत सारे मतलब थे बचपन में। जैसे मैं आपको बहुत पहले की बात बताता हूँ, जब मैं क्लास फोर में पढ़ता था जी, तो उस समय शॉर्पनर नहीं होता था, ब्लेड से हम लोग पेंसिल को क्या करते थे, छीलते थे। ठीक है, तो ऐसे मैंने क्या किया, पेंसिल में ब्लेड लगाया और इतनी तेज़ी से ताकत लगाया और मेरे पैर, चूँकि उस समय ज़मीन पर बैठते थे तो पैर को चीरते हुए निकल गया, तो लेकिन मैं रोया नहीं। ठीक, और खून निकल रहा था, मम्मी के पास गया, मम्मी मम्मी देखो ना बिल्ली आई कट के भाग गई। तो मम्मी परेशान ना, तो मम्मी तो मम्मी होती है ना, समझ जाती होते कुछ गड़बड़ किया इसने। ठीक है, फिर मम्मी जाके देखी, बिल्ली काटती तो अलग टाइप की काटती ना, तो फिर मम्मी जाके देखी दरवाजे के बीच में ब्लेड पड़ी हुई थी, मम्मी के ये इसकी बिल्ली है। हाँ, तो बी से ब्लेड, बी से बिल्ली, दोनों ने उसको कंबाइन करने का सोचा, लेकिन माँ माँ होती है, शी नोज एवरीथिंग। ओके, नाउ इसी हंसी मजाक के साथ बहुत सारी बातें और यस आपका बेस्ट फ्यूचर आई गेट के साथ कैसे आप बना सकते हैं जानेंगे, यू जस्ट स्टे ट्यून। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।